इंटरनेशनल ट्रेड फेयर सेंटर में आकर अगर आपने खाना नहीं खाया तो क्या खाया, आइए हम आपको बताएंगे कि क्या है खास इस बार खाने में। और यहाँ आकर आप टेस्ट कीजिए टेस्टी टेस्टी फूड। कुलचे और पाव भाजी के स्टॉल में हैं अभी, और आप बताइए कि क्या है यहाँ पे अभी टेस्टी टेस्टी। पाव भाजी बहुत टेस्टी है, ये पुरानी दिल्ली के छोले कुलचे हैं। पुरानी दिल्ली के हैं? दिल्ली सीताराम बाजार के जी। तो कितने में हो, मतलब हो रहा है ये पाव भाजी? 120 का है, छोले कुलचे 100 के। भीड़ है इस बार? इस बार भीड़ अभी तो 3 दिन तो ऐसा ही रहता है मैम, लेकिन हर बार ही भीड़ तो काफ़ी होती है। नवंबर के मेले में तो हमेशा भीड़ होती होती है, ये VIP मेला इस टाइम, इसलिए 2-3 दिन ऐसा जाएगा, लेकिन VIP के बाद में अच्छा ही मेला जाता है। हम अभी चाय और कॉफ़ी के स्टॉल में हैं, और चाय पीना सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। चाय नहीं पियेंगे तो सुबह नहीं होती और शाम भी नहीं होती है। तो क्या क्या फ्लेवर्स हैं चाय पे? हमारे पास मसाला टी है जो ऑथेंटिक 5 different स्पाइसेस से बनी है, जिसमें ड्राई जिंजर है, क्लोव है, कार्डमम है, सिनेमन है और जिंजर है। और उसके अलावा हमारे पास एक रेंज ऑफ कॉफ़ी है जिसपे आपको कैपेचिनो, लाते, मोका, ये जो इटालियन स्टाइल कॉफ़ी है वो मिलेंगी। उसके अलावा साउथ इंडियन फिल्टर कॉफ़ी जो कि बेसिकली इंडियन पैलेट के लिए सूटेबल है, वो भी हमारे मेन्यू में अवेलेबल है। जैसे कि हमेशा की तरह यहाँ पे इंटरनेशनल फॉरेन कंट्रीज़ के भी गेस्ट आते हैं, तो उनके लिए कोई टी प्रोवाइड की गई है? हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ टीज़ हैं, लाइक ग्रीन टी है, उसके अलावा फ्लेवर्ड ब्लैक टीज़ हैं और लेमन टी है। बेसिकली टी, कॉफ़ी और होममेड टी का एक जो बेसिक पूरा एक सेट है वो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने कस्टमर्स के। कुछ दिखा सकते हैं डेमो टी का, मतलब फॉरेन के लिए जो आप स्पेशल कोई टी आपकी? Basically, 100% ऑर्गेनिक टीज हैं जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं और टेस्ट वाइज भी बेस्ट है। तो ये जो टी है ये सबसे ज्यादा बिक रही है या फिर? हाँ, ये सबसे ज़्यादा एक्चुअली जो लोग हैं वो सारे आजकल हेल्थ कॉन्शियस है, तो ग्रीन टी आपको भी पता है कि वो एज ए फैट बर्नर भी अच्छा काम करती है, और अगर आपको कोई हार्ट डिजीज वगैरह है तो उसके लिए भी। जैसे कि दिल्ली में पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो बेस्ट सूटेबल ग्रीन लेमन टी जिसपे 100% ऑर्गेनिक टी लीव्स हैं और आपको लेमन का एक अच्छा फ्लेवर मिलेगा, इट्स बेस्ट फॉर ड्रिंकिंग। और इस समय जो कि अभी मौसम चेंज हो रहा है तो उस समय बेस्ट होता है। उसके अलावा हमारे पास कॉफ़ी भी है कि आप कौन सी कॉफ़ी प्रेफर करते हैं? डिफरेंट, हम इटालियन स्टाइल कॉफ़ी भी ब्रू कर रहे हैं, उसके अलावा इंडियन स्टाइल होममेड फिल्टर कॉफ़ी भी बना रहे हैं। इस पे जो वाटर ऐड किया गया है वो 88-90 degrees Celsius का हॉट वाटर है, जो कि अगर आपको फैट बर्न करना है या हेल्थ कॉन्शियस है तो आपके लिए बेस्ट है। और इसके अलावा कॉफ़ी पे जो हम स्पेशली रोस्टेड ब्लेंड यूज कर रहे हैं जिसपे 80% अरेबिका और 20% रुबास्ता का एक कॉफ़ी कॉम्बिनेशन है, मैं आपको एक्सप्रेसो दिखाता हूँ, आप उसका भी शुरू। ये बेसिकली एक्सप्रेसो है जिसमें हम 18 ग्राम कॉफ़ी बीन्स को 20 से 22 सेकंड के लिए एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये बेसिकली जो हम कॉफ़ी यूज कर रहे हैं ये ग्रो इन इंडिया है, ये बेसिकली तमिलनाडु और कर्नाटक के एक इलाका है जिसे कुर्ग कहते हैं, वहाँ पे बेसिकली वहाँ से हमने ग्रीन कॉफ़ी ली है। ये भी ऑर्गेनिक तरीके से इसका प्लांटेशन किया गया है, और उसके बाद हम एक्सट्रैक्ट करके अपने जो भी कस्टमर हमारे पास आएंगे या जो भी गेस्ट आएंगे हम उन्हें इन्वाइट करते हैं कि आप इसे ट्राई कीजिए। और इसी ब्लेंड पे आपको बहुत सारे मिल्क बेस की कॉफ़ीज़ भी अवेलेबल हो पाएंगी, जिनमें लातेज हैं, कैपेचिनो हैं, मोका हैं। और तो यहाँ क्या, मतलब इस स्टॉल में सबसे ज़्यादा लोग, मतलब कहा जा सकता है? डेफिनेटली श्योर। यहाँ पे डोसे का भी स्टॉल देख सकते हैं आप, डोसे का यहाँ पे स्टॉल है, ये डोसा बनते हुए। एक प्लेट कितने का है भैया? 150 का एक प्लेट आपको डोसा यहाँ पे मिलेगा, आप आए यहाँ पे टेस्टी सा डोसा खाए।
ये है ग्रिल सैंडविच का स्टॉल। यहाँ पे आपको ग्रिल सैंडविच खाने को मिल सकता है टेस्टी सा। कितने का प्लेट होगा? 120 का पूरा प्लेट है। और मेरे को ग्रिल सैंडविच का 21 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए, और मेरे को अपने आप पे बहुत घमंड है कि मैं जब हल्दीराम वीगन वाले में तब से ग्रिल सैंडविच का काम कर रहा हूँ। ध्यान में लोग मेरी शिकल देख के खाने आते हैं। फिर हम गुजरात मेरा काम चलता रहता है, तो आप भी यहाँ पर आके ये ग्रिल सैंडविच ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये देखने में भी बहुत टेस्टी लग रहे हैं। बिरयानी के शॉप में आए हैं, तो यहाँ का बिरयानी ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। वेज बिरयानी है और नॉन वेज भी है। चिकन कोरमा ड्राई फ्रूट में होते हैं। ये बेहतरीन किस्म का कोरमा है। इसमें स्पेशलिटी ये है कि ये दिल्ली 6 की जान है। बिल्कुल जी, दिल्ली 6 की जान है। इसमें कोरमे में आप रुमाली रोटी के साथ टेस्ट कीजिए। वैसे कितने लोग आ चुके हैं इस स्टॉल? फिनिश हो चुका हमारे पास, ख़त्म है बिल्कुल सब कुछ ख़त्म है। और अब हम आ चुके हैं अपना छोले भटूरे के स्टॉल में, जो कि दिल्ली के छोले भटूरे के स्टॉल में आ चुके हैं हम लोग। और ये है सागर, दिल्ली के हमारे मशहूर छोले भटूरे हैं, सीताराम बाजार के हैं। छोले भटूरे अगर खा रहे हैं तो साथ में आपको यहाँ पे पंजाबी थाली भी मिलेगी, आप खाना भी खा सकते हैं यहाँ पे, जो कि उसमें पंजाबी थाली में शाही पनीर है, दाल मखनी है, मिक्स वेज है, पुलाव है, चपाती है। आप चपाती लेना चाहे चपाती लीजिए, नान लेना चाहे नान लीजिए, जो भी आपको लेना है। गुलाब जामुन है, रसगुल्ले हैं, जो एक्स वेज चाहे आपको, नान लेना नान लीजिए, रोटी लेना रोटी लीजिए, कोई प्रॉब्लम। और 200 रुपये में थाली है कंप्लीट, एक आदमी का पेट भर जाता है। कभी कभी थाली में दो आदमी भी शेयर कर लेते हैं, कोई वो नहीं है उसमें, इतना वो होता है कि दो आदमी भी शेयर कर सकते हैं उसमें, और बहुत रीजनेबल रेट है और बहुत अच्छी थाली है। ये आ गए हमारे छोले भटूरे, भटूरे आ चुके हैं हमारे। ये है कम्प्लीट छोले भटूरे, दिल्ली के मशहूर। ये 120 के हैं। 120 के, और ये क्वान्टिटी काफ़ी हैवी हो जाता है। 120 प्लेट, आप चीप खाना खाना चाहते हैं तो यहाँ आके छोले भटूरे ज़रूर ट्राई कीजिए। और साथ में अगर आपको वन प्लेट मतलब पूरी थाली खाना है तो आप पंजाबी थाली भी ट्राई कर सकते हैं। किसी को छोला एक्स्ट्रा चाहिए उसका कोई चार्जेस नहीं है, एक्स्ट्रा छोले भी हम उनको दे देते हैं, नो प्रॉब्लम। ये है कॉम्प्लीमेंट्री में आपको, अगर आपके छोले ख़त्म हो गए हैं तो आप यहाँ पर बेझिझक बिना पूछे छोले भी खा सकते हैं साथ में। तो ये है छोले भटूरे का स्टॉल, जहाँ पे आपको मिल सकता है पंजाबी थाली, दिल्ली के छोले भटूरे और पंजाबी थाली। राइस है, कड़ी राइस है, छोले राइस है। वो सुबह से कितने लोग आ चुके हैं अब? एक्चुअली लंच टाइम में इतनी रस हो गया था कि हम लंच पीछे से पैक करवाया, और दो दो काउंटर लगाना पड़ा, बैक साइड में किचन में पैक करना पड़ा, इधर भी दोनों साइड में पैक करके उनको देना पड़ा। लंच टाइम में ज़्यादा रस हो जाता थाली का, छोले भटूरे का भी था लेकिन बट थाली राजमा चावल कढ़ी चावल ज़्यादा वो बल्क में जा रहा है। थैंक यू। पैक भी करके देते हैं, अगर चाहिए तो उसमें आप सिल्वर फॉइल लगा लीजिए या फिर आप कंप्लीट थाली पैक करके हम देते हैं उनको, कोई प्रॉब्लम। तो ये था दिल्ली इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में सबसे सस्ता खाना। अगर आपको खाना है आते हैं यहाँ पे तो यहाँ का खाना ज़रूर ट्राई कीजिए। बिरयानी से लेकर छोले भटूरे से लेकर पंजाबी थाली, ये सब आपको सस्ते दामों में मिलेगा। खाए और इन्जॉय कीजिए इंटरनेशनल ट्रेड फेयर सेंटर 2019 का ये प्रोग्राम। यहाँ पे पिछले साल से और अब में क्या डिफरेंस आया है खाने के मामले में? खाने के मामले में अगर मैं पिछले साल से कंपैरिजन करूँ तो हाँ, ये एक डेवलपमेंट अच्छा हुआ। यहाँ पर पहले कोई फूड कोर्ट नहीं था जैसा अभी है, पिछली बार खाली कुछ टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर लगा के बना दिया गया था, बट इस बार ये परमानेंट स्ट्रक्चर बना है और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से इंटीरियर करके बनाया गया है, और फूड क्वालिटी इनकी ये जो चेन है ये काफ़ी अच्छी है और काफ़ी टाइम से प्रगति मैदान में है। चीप है, रेट वाइज ओके हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव है बट रेट रीजनेबल है। कैसा लग रहा है इंटरनेशनल रेट, मतलब कोई पिछले से अब में क्या डिफरेंस आया है? नहीं, डिफरेंस तो ये देखो, अगर मैं ओवरऑल साइज़ की बात करूँ ट्रेड फेयर की तो ये कमी हुआ है,
क्योंकि हॉल्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जब कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा तो इन्हें वे बहुत बड़े बिग वे में आएगा, बट हाँ रिड्यूस हुआ है, बट ठीक है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग।